में जो इतना पॉजिट्रॉन है वो इतना पॉजिट्रॉन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि इसी में इतना जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज के वजह से भी होता है और नेगेटिव चार्ज के वजह से भी होता है। तो क्योंकि ये जो पॉजिट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज है, और इसीलिए ये जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट लिया जाएगा। जबकि इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसके मूवमेंट के उल्टे डायरेक्शन में करंट को लेंगे। मान लेते हैं पॉजिट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट I1 डेवलप हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट I2 इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक सेकेंड में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए I इज इक्वल टू क्यू बाई टी अगर हम यूज करेंगे तो Q टोटल बाई 1 सेकेंड ही होगा, यानी जो टोटल चार्ज आएगा वही इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। यानी कि नेट जो करंट इसमें डेवलप होगा वो I1 के कारण भी और I2 के कारण भी। तो I1 के कारण हम देखते हैं कि इतना चार्ज की संख्या है, तो इतना चार्ज की संख्या हो गया और एक पॉजिट्रॉन पर इतना कूलम चार्ज होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो करके टोटल चार्ज आ जाएंगे। इसी तरह से इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पे, और इतना इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अगर हम लोग कुछ कॉमन चीज़ों को देखें, जैसे कि ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2.9 और यहाँ पर बच जाएगा 1.2। जब हम लोग 1.6 को लिख देंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 10^-1 बनेगा, ये दोनों जुट करके 4.1 आएंगे। इसके बाद जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.656 एम्पियर यहाँ पे करंट आएगा। तो क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा डी जो है वो नन ऑफ डीज आंसर हो जाए।